हेलो एवरीवन, और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेरी गुड मॉर्निंग। अब ये मॉर्निंग का टाइम है और मौसम का हाल आप देख सकते हैं। सुबह से ही काफ़ी कायदे की बारिश हो रही है, बहुत अच्छी बारिश हो रही है। मौसम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और ये मेरे छत का व्यू है और मेरा कैमरा भीग जाएगा तो इसी वजह से मैं छज्जे के नीचे खड़ी हूँ और अपनी छत का व्यू आप लोगों को दिखा रही हूँ। और मुझे मेरे घर की छत बहुत अच्छी लगती है और जब भी मौका मिलता है मैं अपनी छत की वीडियो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरे घर की छत आपको कैसी लगी। और फ्रेंड्स, मौसम तो काफ़ी अच्छा है और अभी आज लंच में एक्चुअली अभी 10:30 बजे का टाइम है और नाश्ता वगैरह हो गया है, लंच की तैयारी है। तो लंच में ये डिसाइड हुआ है आज बनेंगे आलू के खस्ते, तो उसकी तैयारी भाभी कर रही हैं। तब तक मैं आज बनाने जा रही हूँ आम की मीठी चटनी। आप लोगों को पता होगा आम की मीठी चटनी, तो चलिए चलते हैं नीचे किचन में। तो फ्रेंड्स, उसके लिए सबसे पहले मैंने आम अच्छी तरीके से धोकर छीलकर इस तरीके से उनके छोटे छोटे पीसेस बना लिए हैं और ये कायदे से नहीं कट पाए हैं क्योंकि गुठलियाँ काफ़ी सख्त थी, इसलिए जिस टाइप से मैं काट पाई उस टाइप से मैंने इनकी कटिंग कर ली है। और बनने के बाद सब गल जाएगा, सब एक बराबर हो जाएगा, लेकिन हाँ टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और कोशिश करिएगा कि आम ज़्यादा खट्टे ना हों, नॉर्मल हों, और क्योंकि ज़्यादा खट्टे आम होते हैं तो फिर उसमें खटास बहुत ज़्यादा आने लगती है। आप चाहे जितना मीठा डालें लेकिन वो खटास जाती नहीं है, इसलिए ना ज़्यादा खट्टे आम हो ना ज़्यादा नॉर्मल आम हो कि बिल्कुल ही खट्टे ना हो। और उसके बाद काटने के बाद मैंने इनको अच्छी तरीके से धो लिया है और धोने के बाद मैंने एक भगोने में सरसों का तेल डाल दिया है और उसमें तड़का लगा दिया है। तड़के में मैंने सौंफ, जीरा और पीली सरसों, काली सरसों, हींग और मेथी, यही सब ले लिया है जितने भी खड़े मसाले होते हैं। सौंफ और ज़ीरा ज़रूरी है डालना, वो ज़रूर डालिएगा, बाकी आप चीज़ें स्किप कर सकते हैं। और हाँ, हींग ज़रूर डालिएगा। तड़का लगाने के बाद मैंने इसमें आम डाल दिया है और इसको भूनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं मसाला वगैरह निकालने लगी थी इसलिए थोड़ी देर मैंने गैस का फ्लेम लो कर दिया था। और इसमें मैंने अपने घर का बनाया हुआ नमक मिर्च का मसाला डाला है। आप लोग नमक और पिसी मिर्च का यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने काला नमक डाला है घर का बनाया हुआ, आप चाहें तो नॉर्मल जो सादा काला नमक आता है पैकेट वगैरह में वो यूज़ कर सकते हैं। और अब इसमें मैं आम की क्वांटिटी के हिसाब से 1 से 1.5 गिलास पानी डाल दूँगी और एक बार ये चटनी ज़रूर बनाइएगा, बहुत अच्छी टेस्ट आता है और समोसा खस्ता कचौड़ी के साथ बहुत अच्छा आता है। और पानी डालने से पहले मैंने इसमें जो भरवा मसाला आता है वो मैंने डाल दिया है 1 से 1.5 चम्मच। और अभी भी मैं कह रही हूँ आप क्वांटिटी के हिसाब से मसालों का यूज़ करिएगा क्योंकि जो मैं चटनी बना रही हूँ उसमें आम की क्वांटिटी काफ़ी कम है, मैंने सिर्फ 2 ही आम का यूज़ किया है। आप जितने आम का यूज़ करें उस हिसाब से मसाला डालिएगा। और पानी डालने के बाद मैंने इसमें फूड कलर डाल दिया है और फूड कलर ये ऑरेंज कलर का फूड कलर है और आप चाहें अगर आपके घर में फूड कलर अवेलेबल है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ उसको भी स्किप कर सकते हैं। आप उसकी जगह थोड़ी सी हल्दी डाल सकते हैं, लेकिन ये फूड कलर डालने से ये एकदम परफेक्ट मैच करता है इस तरीके से। जो दावत वगैरह में पहले आम की मीठी चटनी वगैरह मिलती थी उसमें वैसे ही बिल्कुल मतलब देखने में लगता है। और जब तक मेरा आम पक रहा है, चटनी पक रही है, तब तक मैं इधर ये गुड़ लिए ले रही हूँ और मैं इस गुड़ का यूज़ कर रही हूँ जो थोड़ा सा वाइटिश कलर में होता है, जो डार्क वाला होता है वो नहीं यूज़ कर रही हूँ। और मैंने इसके 2 गोले या जो वो कुछ कहें वो मैंने ले लिया है और इसको अच्छी तरीके से फोड़ कर डाल दिया है। फोड़ कर डालने से ये होता है कि गुड़ बहुत जल्दी गल जाएगा और अगर आप ऐसे ही डाल देंगे तो बेकार में आपकी गैस भी खर्च होगी और टाइम भी ज़्यादा लगेगा और पानी भी, जो चटनी का पानी है वो भी सूख जाएगा, इसलिए इस तरीके से फोड़ कर मैंने उसमें डाल दिया है और ढक्कन लगा दिया है। ढक्कन लगाने के 10 मिनट के बाद आप इसको एक बार और ज़रूर चेक कर लीजिएगा क्योंकि गुड़ बहुत जल्दी गल जाएगा। और गुड़ डालने के बाद जब आप देखिए और एक बार टेस्ट ज़रूर कर लीजिएगा
कि अगर आपको गुड़ थोड़ा सा कम लग रहा हो, खट्टापन ज़्यादा लग रहा हो, मीठापन कम लग रहा हो, तो आप थोड़ा सा गुड़ घटा बढ़ा सकते हैं। और मेरे चटनी के हिसाब से इतना गुड़ काफ़ी था। और आपके घर में अगर गुड़ अवेलेबल नहीं है तो आप चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं, मेन चीज़ तो ये है। और चीनी डाल दीजिए, उसका टेस्ट अलग आता है और गुड़ का टेस्ट अलग आता है। पहले मैंने जब चटनी बनाई थी तो उसमें मैंने चीनी का यूज़ किया था, अब मैं गुड़ का यूज़ कर रही हूँ। दोनों का काफ़ी टेस्ट अलग अलग होता है और दोनों अलग अलग बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं। और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी अदरक की गांठ कद्दूकस करके मैंने डाल दी थी। आप चाहें तो पीसेस करके भी, स्लाइसेस करके भी डाल सकते हैं, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैंने महीन कद्दूकस से कद्दूकस करके अदरक डाल दी है और उसको पकने के लिए छोड़ दिया है। और ये चटनी बनाने में मुश्किल से मुश्किल 15 मिनट लगते हैं और आपकी चटनी तैयार हो जाती है। और ये देखिए चटनी तैयार हो चुकी है। और हाँ, आप चाहें तो इसमें कॉर्नफ्लावर का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर का यूज़ नहीं किया है गाढ़ेपन के लिए। ये अपने आप जैसे ही ठंडी होगी वो धीरे धीरे गाढ़ी होती चली जाएगी। और मैंने इसमें थोड़ा सा जो आम के टुकड़े हैं वो फोड़ दूँगी, तो अपने आप चटनी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी, इसलिए मैंने कॉर्नफ्लावर का यूज़ नहीं किया है। और हाँ, मसाला वगैरह है, नमक वगैरह है, वो आप टेस्ट करके अपने अकॉर्डिंग डालिएगा। और मैंने जो मसाले डाले हैं मेरे खुद के घर के बनाए हुए हैं, आप इसमें पिसी मिर्च, नमक और जो भरवा मसाला होता है वो डाल दीजिएगा। और जो आपको इसमें गरम मसाले का यूज़ नहीं होता है। और इसी तरीके से आप ये चटनी बना कर देखिए, बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो फ्रेंड्स, आज का ये मेरा छोटा सा वीडियो, छोटी सी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिएगा। तो अब मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और इस रेसिपी को ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी बताई हुई रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और ऐसे ही छोटे छोटे सजेशन हमें भी देते रहिएगा। अब मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।